नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बर्फीले तूफान का डबल अटैक। बटालिक में बर्फीले तूफान में दबकर 3 सैनिकों की मौत। पुंछ में सैलाब में फंसे 25 लोगों की वायुसेना ने बचाई जान। आधी रात को भी एक्शन में सीएम आदित्यनाथ योगी। 5 मंत्रालय के अधिकारियों के साथ की बैठक। समाजवादी योजनाओं का बदल जाएगा नाम। सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देने के आदेश। शिवसेना के चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर सियासत गर्म। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, अगर मामला नहीं सुलझा तो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होगी शिवसेना। गायकवाड़ ने नागरिक उड्डयन मंत्री से मांगी माफी। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी जीएसटी बिल पास। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने बताया, ऐतिहासिक कदम, 1 जुलाई से लागू होना है एक देश एक टैक्स। आज करीब 8 महीने बाद पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की हो सकती है मुलाकात। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के मोदी के साथ डिनर पर ममता भी हो सकती हैं शामिल। पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस और ट्रक के बीच टक्कर। हादसे में 5 बच्चों की मौत। देश भर के 50 ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे। छापेमारी में 100 करोड़ का काला धन जब्त। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद सहित कई शहरों में आयकर के छापे। उज्जैन में महाकाल मंदिर को इनकम टैक्स का नोटिस। मंदिर प्रशासन पर 2,63,00,000 रुपए का हिसाब किताब नहीं देने का आरोप। सीरिया के इदलिब में केमिकल अटैक के बाद अमेरिका का प्रहार। सीरिया के सैन्य बेस पर दागी दर्जनों मिसाइलें। और आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में पुणे ने मुंबई को पीटा। 1 गेंद बाकी रहते दर्ज की जीत। आज राजकोट में गुजरात लायंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा मुकाबला। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।